दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2024 के अंदर आज खेलने जा रही है अपना तीसरा मुकाबला। लगातार दो मुकाबले जीतकर टीम केकेआर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और जीत की हैट्रिक के इरादे के साथ ही आज टीम के फैंस, टीम के प्लेयर्स और टीम की मैनेजमेंट उतरने वाली है मैदान पर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप सपोर्ट करते हो टीम केकेआर को और आपको लगता है कि आज केकेआर जीत के हैट्रिक लगाएगी तो अभी के अभी ये वीडियो अपने तीन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। इसके अलावा अगर आपको भी लगता है केकेआर सिर्फ एक टीम नहीं एक इमोशन है तो अभी के अभी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर प्रेस कर लेना। तो ये बात तो आप सभी जानते ही हो, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के जो हेड टू हेड है ना वो काफ़ी नेक टू नेक है। बट क्या आप ये बात जानते हो पिछले पांच मुकाबलों में से तीन दिल्ली जीता है और जो पिछली बार टीम केकेआर ने इनको हराया था ना तो साल 2021 के प्लेऑफ्स के अंदर हराया था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है टीम केकेआर के पास दिल्ली को हराने के लिए। विशाखापट्टनम का मैदान होने वाला है जो कि यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का होम एडवांटेज बनता है और आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 को। टीम केकेआर की प्लेइंग 11 में फॉर श्योर यहां पर चेंजेस हैं और काफी सारे लोगों को यहां पर नीतीश राणा के ऊपर भी फाइनल अपडेट जानना होगा। तो फाइनल अपडेट नीतीश राणा का विद सोर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाइए उसको फॉलो कीजिए। तो फटाफट से यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और टीम केकेआर के ऊपर बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 में। तो चेंजेस के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है जो ऑलरेडी आपको पता है। तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए ना हम बात कर लेते हैं यहां पर उनकी प्लेइंग 11 पर। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक हम चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे प्लेइंग 11 की, तो क्या क्या आते हैं, डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, रिप्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, इसके बाद आते हैं अभिषेक पोरेल नोएड से और जो नोकिया है, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा, खलील अहमद और यहां पर दोस्तों पिछले मुकाबले में इंपैक्ट पर आए थे यहां पर राशिक सलाम जो कि केकेआर के एक्स खिलाड़ी हैं। और इसी तरह से टीम केकेआर के ऊपर बात कर लेते हैं तो टीम केकेआर के जो पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 थी ना हम उसको ही कंसीडर अभी करते हैं, बट चेंज फॉर श्योर होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, अनुकुल रॉय, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती पिछले मुकाबले में यहां पर एज इंपैक्ट प्लेयर निकल कर आए थे अंकरेश रघुवंशी। तो लेट्स सी कि यहां पर टीम केकेआर क्या प्लेइंग 11 में चेंज करता है, बट हाँ ये बात देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आज क्या अप्रोच रहने वाली है। दोनों ही टीम के जो मेन प्लेयर है ना वो कहीं ना कहीं एक दोनों ही टीमों के अगेंस्ट ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। अब वैसे आप सभी को बता दें कि एक मुकाबला इस वेन्यू के ऊपर टीम केकेआर खेला है और वो मुकाबला में टीम केकेआर ने केवल 101 रन बनाए थे और अगर बात करें तो वो मुकाबला टीम केकेआर हारा था। बट जिस तरीके अभी टीम केकेआर की प्लेइंग 11 है ना वहां मजा आएगा। तो ओपनिंग की अगर बात करें तो टीम केकेआर की ओपनिंग और टीम यहां पर दिल्ली की ओपनिंग में पिछली बार की अगर हम बात करें तो ओपनिंग वैसे तो बराबर है, बट सुनील नारायण के ऊपर हर मुकाबले में भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ओपनिंग तो यहां दिल्ली की तरफ जाती है, बट मिडिल ऑर्डर देख लो या फिर आप फिनिशिंग ऑर्डर देख लो, टीम केकेआर बहुत हद तक आगे बाजी मार लेता है। तो दो एस्पेक्ट के अंदर टीम केकेआर आगे है, एक में है दिल्ली आगे। बॉलिंग दोनों ही टीमों की एवरेज है और यहां अगर कुलदीप यादव को मौका मिलता है तो हाँ टीम केकेआर के सामने उनका परफॉर्मेंस केवल 3 मुकाबलों में 9 विकेट लिए हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर बॉलिंग में आगे है। अगर कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलता है तो टीम केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग कहीं ना कहीं 50-50 है। अगर मिचेल स्टार्क के यहां पर अच्छे से नहीं खेल पाते हैं, वही फॉर्म उनका बरकरार रहता है, बट ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खलील अहमद रहे हैं और खलील अहमद लेफ्टी बॉलर और उनको स्विंग मिला है और मैन ऑफ द मैच बॉलर रहा है। तो ये आपको देखने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा कि यहां पर मिचेल स्टार्क के लिए भी एक अच्छा मौका है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आज क्या मिचेल स्टार्क अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और कितने विकेट आज मिचेल स्टार्क ले पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।